आज सोनी कार स्टेफ का कनेक्टर गुम हो जाने से जो प्लग है, प्लग पीछे का, ये देखिए इसमें प्लग नहीं है, वो प्लग गुम हो जाने से इस प्लग को मॉडिफाई करके कैसे आप बना सकेंगे आज ये दिखाता हूँ। इसका वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा कैसे कैसे कौन सा पिन पे कौन सा लाइन आता है सब डायग्राम का साथ आप लोगों को दिखाता हूँ। आज सोनी कार स्टेफ का वायरिंग मॉडिफाई करके कैसे आप निकाल सकते हो। पहले इस ढक्कन को धीरे धीरे से उठाना है, ये देखिए इस टाइप का जो भी सोनी टेप आएगा उसमें आप आसानी से बना सकते हो। सिर्फ इस टाइप नहीं है, दूसरा टाइप में भी आप आसानी से बना सकते हो। किसी किसी का गाड़ी जब सेल हो जाता है, सेल होने का बाद वायरिंग गाड़ी का साथ चला जाता है। गाड़ी का साथ वायरिंग चला जाने से फिर से लगाने के लिए सेम वायर कनेक्टर नहीं मिलता है। सेम कनेक्टर नहीं मिलने से आप उसे बना सकते हो, उसके लिए टेप को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा कनेक्टर कहीं लेने के लिए नहीं मिलता है, जब नहीं मिलता है आप इसे बना लीजिएगा। ये देखिए ये दो स्क्रू खोल के हमने जो मेमोरी बोर्ड और सीडी डिस्क का लेंस है उसे अलग कर देते हैं, यह अंदर रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा। पहले इसे हम निकाल लेते हैं, वो उसमें एक लॉक है वो देखिए, और लॉक को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचना है। लॉक को पीछे की तरफ खींचने के बाद वो कनेक्टर पूरा लूज हो जाएगा, ये देखिए निकल के आ गया है। इसे हम साइड करके रख देते हैं। फिर ये बैक साइड में दो स्क्रू है, इस दो स्क्रू को निकलते हैं और ये लॉक को भी खोल देते हैं। ये देखिए ये लॉक है, यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, लॉक है। इसे खोलने से और इस साइड का लॉक दोनों खोलने से ये सामने वाला हिस्सा निकल के हाथ में आ जाएगा। और ये दो स्क्रू है बैक साइड में, ये दोनों को निकाल लीजिए। निकलने के बाद सर्किट में और दो स्क्रू है सर्किट में, वो दोनों को भी खोलना पड़ेगा। वो दोनों को भी खोलूँगा, पहले इन दोनों को निकाल लेता हूँ। निकलने के बाद देखिए बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि सर्किट में अभी भी दो स्क्रू रह गया है। ये देखिए यहाँ पे एक है, इसे भी खोलना पड़ेगा। इसे खोलने के बाद सामने एक है, इसे भी खोल देता हूँ। ये देखिए इन दोनों को खोलने के बाद हम सर्किट को बाहर निकाल के थोड़ा क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे वायरिंग करने का है। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ये देखिए सर्किट को मैं क्लीन कर लिया हूँ। क्लीन करने के बाद सामने वाला जो मेमोरी बोर्ड का और डिस्प्ले बोर्ड, मेमोरी और डिस्प्ले का जो बोर्ड है उसे फिर से आपको लगा देना है। टेम्पोररी लगाने के बाद अब जा कर चेक कर सकते हो, लाइन को माप सकते हो कौन सा लाइन कहाँ से आता है। लाइन निकलने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, अभी तो कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। ये देखिए इसका साथ कंटिन्यूटी है, कैपेसिटर का पॉजिटिव का साथ, और ये है निगेटिव का साथ। तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया है। ये देखिए एक नीचे एक ऊपर है पिन, आप देखिए जूम करके भी देख सकते हो, जूम करके भी देखिए। ये देखिए नीचे वाले पे लगाया हो, नीचे वाले पे लगाने से ये देखिए नीचे और ऊपर ये दो बड़ा जो दो पिन है, नीचे का जो पिन है वो पॉजिटिव है, ऊपर का जो पिन है वो नेगेटिव है। ये देखिए अभी मैं वायर लगाया हूँ, तीन वायर लगाया हूँ, दो है पॉजिटिव नेगेटिव और एक है आरएम रिमोट। तीन वायर की ज़रूरत पड़ता है, तीन वायर नहीं होने से ये नहीं चलता है। चाबी का जो एक लाइन रहता है तो आप लोग ये तीन वायर को लगा सकते हो। ये देखिए अब स्पीकर हम चेक कर लेते हैं, स्पीकर लगा के थोड़ा साउंड ज़्यादा करता हो तब आपको स्पीकर का लाइन पता चल जाएगा। स्पीकर का लाइन देखिए,
ये देखिए इसका 7 बज रहा है लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं है, तो ये साइट वाले में देखता हूँ, ये साइट वाले में क्लियर है पूरा। तो हमें स्पीकर का कंटिन्यूटी मिल गया है, किस किस का 7 लाइन देना है। आगे देखिए मैं जूम करके दिखाऊंगा, थोड़ा रुकिए मैं जूम करके पूरा आपको डायग्राम दिखा दूंगा। ये देखिए मैं जूम किया हूँ, ये है कनेक्टर, तीनों यार तो हम लगा दिए हैं। ये देखिए दोनों येलो येलो जो है वो एक है रिमोट का, एक है बैटरी प्लस का। ये देखिए स्पीकर इन दोनों में एक आएगा, एक स्पीकर का कनेक्शन, दूसरा स्पीकर इन दोनों में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आप दे सकते हो, इन दोनों का साथ एक, इन दोनों का साथ एक, तो दो स्पीकर का लाइन मिल गया। अभी तीसरा स्पीकर देखिए, ये देखिए तीसरा स्पीकर इन दोनों का साथ आएगा, चौथा स्पीकर इन दोनों का साथ आएगा। तो कनेक्टर का लास्ट का जो 8 पिन है वो स्पीकर का है। ये देखिए मैं डायग्राम में कागज़ में भी लिख के दिखाऊंगा आपको इजी होने के लिए। पहले इस यहाँ देख लीजिए, ये है रिमोट का लाइन, रिमोट का लाइन जैसे कि आप चाबी का लाइन बोल सकते हो, ये चाबी ऑन ऑफ का लाइन है ये वाला, इसमें हम RM लिख देते हैं। RM तो ये हो गया हमारा रिमोट का लाइन। दो नंबर पिन है रिमोट का लाइन का, और एक नंबर पिन है बैटरी प्लस, ये हो गया बैटरी प्लस। ये देखिए ये हो गया 12 वोल्ट प्लस, ये हो गया 12 वोल्ट प्लस। ये हमारा दो येलो वायर तो आपको पता चल गया है, अभी ग्रीन वाला, ग्रीन वाले को भी आप समझ जाएंगे। ये देखिए ये ग्रीन वाला नीचे का एक नंबर पिन है ग्रीन वाला, ये है जीएनडी ग्राउंड, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, अर्थिंग भी बोल सकते हैं, गाड़ी वाला लोग ज़्यादा इसे अर्थिंग बोलते हैं। ये नील वाला अर्थिंग है, ग्राउंड पिन है। ये तीन समझ में आ गया आपको, और स्पीकर का लाइन भी समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक इसमें लगा के दिखाऊंगा, एक पेपर में डायग्राम लिख के दिखाऊंगा। वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए, डायग्राम पूरा मैं कागज़ में लिख के दिखाऊंगा। अभी आपको बजा के सुना लेता हूँ। ये देखिए ये चाबी वाला और बैटरी प्लस वाला मैं एक साथ जोड़ लिया हूँ, क्योंकि मेरे पास तो चाबी अलग से नहीं है, इसलिए एक ही 12 वोल्ट से मुझे लाइन देना है। और नीला ये ग्रीन वाला जो है वो न्यूट्रल के साथ जोड़ लेता हूँ, एक एडाप्टर से चलाऊँगा मैं। जुड़ने का बाद मैं पावर ऑन करता हूँ टेप का। ये देखिए लाइट आ गया है सामने, हमारा टेप पावर ऑन हो गया है। अब स्पीकर का लाइन लगाऊंगा और टेप को घुमा के सामने का हिस्सा आपको दिखाऊंगा। पहले स्पीकर का लाइन लगा के आपको बजा के सुना लेता हूँ। ये देखिए एक जोड़ दिया हूँ, तो हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। हमारा मैंने तो चेक कर लिया, साउंड आ रहा है आप लोगों को, अभी बजा के सुनाऊंगा। तो टेप को थोड़ा घुमा के सामने डिस्प्ले घुमा के पहले आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देखना ज़रूरी है। हमारा काम सक्सेस हो गया है, इतना ही था। इसी तरह आप भी बना सकेंगे। देखिए यहाँ पे भी मैं लिख के रखा हूँ, और अभी एक पेपर लेके पेपर में पूरा डायग्राम आपको लिख के दिखाता हूँ।
यह टोटल देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिन नीचे और 8 पिन ऊपर है, टोटल 16 पिन है। टोटल 16 पिन में कौन सा पिन पे कौन सा वायर लगाना है इस तरफ भी आप डायग्राम देखने से समझ जाएंगे। यह तो समझा दिया हूँ मैं, फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देखने से आपको पता चल जाएगा। यह देखिए डायग्राम मैं बनाया हूँ, जिस तरफ मेरा टेप रखा था उसी तरफ डायग्राम बनाया हूँ। ये देखिए 12 वोल्ट प्लस रिमोट, 12 वोल्ट माइनस, ये हो गया 12 वोल्ट माइनस, ये हो गया 12 वोल्ट प्लस, ये हो गया रिमोट चाबी का लाइन, ये वाला चाबी का लाइन, और ये देखिए ये हो गया स्पीकर, चार नंबर स्पीकर, ये हो गया 3 नंबर स्पीकर, ये हो गया 2 नंबर स्पीकर, और ये हो गया 1 नंबर स्पीकर। ये चार स्पीकर लाइन से आप चार स्पीकर को लाइन दे सकते हैं और बीच वाला छोड़ के। अभी सुनिएगा ना, मैं लगाता हूँ बैटरी के साथ। ये देखिए मैं 12 वोल्ट प्लस जोड़ दिया हूँ, अभी ये 12 वोल्ट माइनस जोड़ लेता हूँ। 12 वोल्ट माइनस जोड़ के अभी मैं स्विच को ऑन करता हूँ। टेप की सामने की तरफ देखिए, ये देखिए हमारा टेप ऑन हो गया है। इसमें दबा के हम मोड को चेंज करते हैं, यूएसबी मोड में लाते हैं। ये देखिए एफएम मोड में है अभी। ये देखिए यूएसबी मोड रीडिंग आ गया है, यूएसबी रीड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा टेप सही हो गया, यूएसबी प्ले हो गया। अब स्पीकर लगा के सुनाता हूँ आपको। ये देखिए यह जो दो स्पीकर का लाइन निकाला हो, मैं चार स्पीकर की ज़रूरत नहीं है उन्होंने बोला, ये न्यूट्रल को जोड़ दिया हूँ एक स्पीकर का। अभी दूसरा स्पीकर भी सुनाता हूँ आपको। ये देखिए दूसरा स्पीकर का वायर लिया हो, इसे भी जोड़ देता हूँ। इसे जोड़ के भी ये वाला साइड में भी सुना देता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, ये देखिए वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।